हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन उठाया हुआ है, न्यूट्रिशन में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ले रखा है, क्योंकि डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग्स की। सो क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, what is the process of taking food, और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, define processes of intake of food, मीन्स आप फूड जो लेते हो, ग्रहण करते हो, उसका सीक्वेंस क्या है, किस तरह से है। तो देखो, सीक्वेंस में यही है, फाइव प्रोसेसेस मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आपके ना CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग ना जो भी क्वेश्चन है वो 2 या 3 मार्क्स का ही है। अगर आपके साइंस में 10th स्टैंडर्ड में अगर कोई क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो आप खुद देखना प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जा करके, वो पार्ट ए और पार्ट बी में ही होगा। मींस पार्ट ए 2 मार्क्स का, पार्ट बी 3 मार्क्स का, या पार्ट ए 3 मार्क्स का, पार्ट बी 2 मार्क्स का, टोटल 5 मार्क्स का बना, लेकिन एक्चुअल में उसमें अंदर क्वेश्चन तो 3 और 2 मार्क्स वाले ही थे। तो क्वेश्चन हमेशा 2 और 3 मार्क्स वाले ही होते हैं, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ आपको, तो आप इसमें से छांट सकते हो, थोड़ा लिख देना 2 मार्क्स का है। अब 5 प्रोसेसेस की बात करें, तो पहला तो है इंजेशन, मींस जब आप फूड को मुंह में डालते हो, माउथ में डालते हो, दैट इज स्वेलोइंग ऑफ फूड। सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन। मेरे साथ साथ आप इन शब्दों को है ना प्रोनाउंस किया करो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, लास्ट 5 है इजेशन। इंजेशन अलग है, इजेशन अलग है, इंजेशन फर्स्ट प्रोसेस है और इजेशन लास्ट प्रोसेस है। अब इनका मीनिंग क्या है, एक एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं, मैं फालतू का तो लिख नहीं रहा, आपको उतना ही लिख रहा हूं जितना आपको जरूरी है, ताकि आपको इजी टू रिमेंबर रहे। देखो, इंजेशन होता क्या है, दिस इज कॉल्ड स्वेलोइंग ऑफ फूड, स्वेलोइंग ऑफ फूड। अब इसमें आप खुद एडजस्ट कर लेना, दिस इज कॉल्ड स्वेलोइंग ऑफ फूड और स्वेलोइंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन, वो इज कॉल्ड अपने आप लिख लेना, ठीक है। मैंने आपको एक लाइन में आपको समेट दिया है समझाने के लिए, कि आप फूड को, जो खाना आपने माउथ में रखा, उसको चबाया, उसके बाद सटक लिया ना, जो स्वेलोइंग मीन सटकना या निगलना, सटकना या निगलना, उसके बाद में पेट में जाएगा, डाइजेशन स्टार्ट हो गई है, मींस ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये याद रखने हैं आपको शब्द, कि लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे, अब रिमाइंड करो, फूड में आपने खाया क्या था, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट, यही तो खाए थे। अब उनका ब्रेकडाउन हुआ है, तो ब्रेकडाउन किस में होता है, प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट का किस में होता है, ग्लूकोज में, फैट्स का किस में होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में।
प्रीवियस वीडियो देख लो आप जा करके, सीक्वेंस में है सारी मेरे चैनल पर। आप चैनल को क्लिक करोगे तो उसमें आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगे सीक्वेंस वाइज, पीछे की मिल जाएगी। क्वेश्चन है रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, उस क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है। फूड में आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट ही खाते हो, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, फैट ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ब्रेक डाउन हो गया लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का इनटू स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब ये है वो स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है व्हेन दीज स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स वेंट इन ब्लड स्ट्रीम, यानी कि वो ब्लड में चले जाएं, ब्लड वेसल्स में चले जाएं। सिंपल मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड और रिसीव्ड बाय ब्लड, एक ही मतलब है यहां पर एब्जॉर्ब का और रिसीव का। तो आपको एब्जॉर्प्शन समझ में आ जाएगा कि सिंपल मॉलिक्यूल्स जब ब्लड में चले जाएंगे ना तब जाकर के एब्जॉर्प्शन कहलाई जाएगी। अब ब्लड में चले गए हैं पर सेल्स में थोड़ी गए हैं, ब्लड से जब सेल्स में पहुंचते हैं ना, व्हेन दीज सिंपल मॉलिक्यूल्स वेंट फ्रॉम ब्लड टू सेल्स ऑफ बॉडी देन दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। आप सीक्वेंस को समझो, जब आपने फूड को खाया चबा करके निगल लिया तब इंजेशन, जब उसका ब्रेकडाउन हो गया स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में इट इज डाइजेशन, और उसके बाद जब वो ब्लड में चले गए स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स तो एब्जॉर्प्शन। ब्लड से वो एक एक सेल तक पहुंच रहे हैं, ब्लड से सेल्स में पहुंच गए ना जब, देन इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जो अब सेल्स में नहीं पहुंचे वो ब्लड में है, अच्छा, और जो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ यानी जो ब्लड में भी नहीं गया, जो ब्लड में है वो तो किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और जो ब्लड में चला गया वो एब्जॉर्ब होता ही होता है मोस्ट केसेस में, मोस्टली। अब जो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएगा, दैट इज नोन एज इजेशन। अनएब्जॉर्ब्ड फूड moves out of body via anus, this is called ejection, means जो absorb ही नहीं हो पाया, means जो blood में ही नहीं जा पाए जो molecules, जो components food में थे, जैसे कि fibers कभी absorb नहीं होते। फाइबरी डाइट हम खाते हैं बोलते हैं डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए अच्छे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो हमारे मोशन को आगे बढ़ाते हैं, वो फाइबर्स एब्जॉर्ब नहीं होते फूड में। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल कि अनएब्जॉर्ब फूड क्या होते हैं, फाइबर्स। तो वो आपके एनस में फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकलते हैं बॉडी से। तो ये है प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ये पॉइंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंजेशन में होता है स्वेलोइंग ऑफ फूड, डाइजेशन में होता है फूड के अंदर जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रेजेंट है उनका ब्रेकडाउन होना स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जैसे अमाइनो एसिड ग्लूकोज एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड का ब्लड में पहुंचना, और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता वो इजेक्ट हो जाता है बॉडी से आउट, इजेशन बोलते हैं उसको, और जो ब्लड में चला गया वो सेल्स में पहुंचेगा तो एसिमिलेशन।